नमस्कार, आप सबका स्वागत है। वन विभाग की लापरवाही के चलते अशोकनगर के चंदेरी से 3 किलोमीटर दूर सिंहपुर घाटी के पास एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जानकारी के मुताबिक 25 सितंबर को आंधी और तूफान की वजह से स्टेट हाईवे पर 19 पेड़ टूट गए थे, जिन्हें रास्ते से हटा दिया गया था, लेकिन करीब 1.5 मीटर तक सड़क के बाहर पेड़ का तना बाहर निकला था, उसे नहीं हटाया गया, जिस वजह से ये हादसा हो गया। दरअसल शहर में समाज के 2 दिवसीय सम्मेलन था। इस सम्मेलन में पिछोर के रहने वाले श्रीमती सोनी अपने भाई और भतीजों के लिए लड़की देखने आए थे। 2 दिन के सम्मेलन के बाद वे घर लौट रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। असम्मेलन में भाग लेकर लौटते समय मारुति वैन सड़क किनारे निकले तने से टकरा गई। इस घटना में ड्राइवर के साथ आगे की सीट पर बैठे हुए 40 साल के प्रशांत सोनी, उनकी बड़ी बहन जयंती सोनी की मौत हो गई, जबकि रानी सोनी, सौरभ सोनी निवासी झांसी और सचिन सोनी, विपिन सोनी और नीलेश निवासी पिछोर गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसा नहीं है कि इस पेड़ से टकराने की यह पहली घटना है, इससे पहले भी झांकी की एक अल्टो कार इस पेड़ से टकराकर डैमेज हो चुकी है। 2.5 महीने में कई बाइक और ऑटो इस डाल से टकराकर डैमेज हो चुके हैं। लोकल लोगों के मुताबिक 2 दिन पहले ही जंगल से वापस आ रही भैंसों पर सामने से आ रहा ट्रक टक्कर मारता हुआ निकल गया। इस घटना में मौके पर ही 2 भैंस की मौत हो गई थी। EMPRDC के मुताबिक सड़क से पेड़ को हटाने के लिए वन विभाग को सूचित कर चुके हैं, उन्हीं का पेड़ है। अगर वन विभाग की कोई सामग्री से हाथ तक लगाते हैं तो वे केस कायम कर देते हैं। फॉरेस्ट लैंड अफसर के मुताबिक PWD के हैं पेड़ सड़क किनारे, आम, जामुन, बरगद आदि के पेड़ लगे हैं, वे PWD के हैं। सड़क भी उन्हीं की है, सड़क पर आ रहे पेड़ों को उनके लिए ही क्लियर करना पड़ता है, इसमें हम क्यों बाधा पहुंचाएंगे। ACDO PWD के मुताबिक MPRDC को हस्तांतरित हो चुकी है सड़क चंदेरी से पिछोर तक। सड़क मार्ग कई साल पहले ही MPRDC को हस्तांतरित हो चुकी है, सड़क किनारे लगे पेड़ भी उन्हीं के कार्य क्षेत्र में आ गए हैं। इस मामले में हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए हमने काम नहीं कराया।